जिनके में कोई भी मैनिपुलेशन किया गया है ठीक है आपको डीएनए जो पहले नजर आया था वैसा डीएनए नहीं है ओके okay, ऑल्टर्ड है कुछ भी आपने उसके अंदर चेंज किया कुछ ऐड किया है डिलीट किया है बट पहले जैसा वो नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे आप उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल ओके ट्रांसजेनिक एनिमल को बोल दिया जाता है जैसे कि आप जानते हैं रोजी ओके okay? ये रोजी क्या थी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी सिंपली काउ लिख रहे हैं और इस काउ में क्या ऑल्ट्रेशन किया गया जो ह्यूमन प्रोटीन को सिंथिसाइज करने वाला जीन है ना वो प्रोटीन क्या है एल्फा लेक्टल एल्बीम उसको सिंथिसाइज करने वाला जीन इंट्रोड्यूस करा दिया गया इस रोजी के अंदर अब इसका जो मिल्क uh, था वो रिश्त था ह्यूमन प्रोटीन से

यहां पर आप उनको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स ओके अब देखिए यहां क्या दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स करेक्ट हो जाएगा फिर दे दिया है हाइब्रिड एनिमल्स हाइब्रिड एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कहते किसे हैं हाइब्रिड एनिमल हाइब्रिड एनिमल आपके वो होते हैं जिनको क्रॉस करके बनाया जाता है जैसे म्यूल देख लीजिए हॉर्स एंड डंकी इसको क्रॉस करके क्या कराया गया म्यूल बना दिया गया ओके okay, तो ये म्यूल क्या है म्यूल हाइब्रिड एनिमल है ठीक है किस किस के बीच डंकी एंड हॉर्स तो यहाँ ये इनका एक हाइब्रिड एनिमल होता है, है. इनमें कोई ट्रांसजेनिक नहीं है कोई डीएनए मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है सिंपली आप क्रॉस करा रहे हैं और देख रहे हैं हाइब्रिड बनते हुए फिर दिया है वेक्टर वेक्टर जो होते हैं ये जीन वहीकल की तरह यूज किए जाते हैं वेक्टर के हेल्प से आप क्या करते हैं वेक्टर के हेल्प से आप डिजायर्ड सीक्वेंस और डिजायर्ड डीएनए जो होता है उसको क्या करेंगे उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने होस्ट में ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है ऑल ऑफ दीज इनकरेक्ट है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ट्रांसजन एनिमल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीआर मैंने थैंक यू